वैशाली जिला अंतर्गत महुआ प्रखंड स्थित भद्वास पंचायत के वार्ड संख्या 8 में शुभारंभ हुआ बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही 7 निश्चय के तहत नल जल योजना। जल संकट से जूझ रहे लोग पानी को लेकर काफी मायूस थे, वार्ड के लोग सभी ने इस योजना को सराहा। पंचायत में काफी खुशी का माहौल महसूस हो रहा है। ये आज बोरिंग होने से आप लोगों को क्या फायदा है, बात करते हैं यहाँ के सामाजिक लोग से। बहुत ही फायदा है, हमारे पंचायत में जो बोरिंग हो रहा है उससे हमारे पब्लिक को बहुत सुविधा है। अभी देख रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत पानी का बहुत गंभीर समस्या है और इस बोरिंग होने से पानी का समस्या सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जरूर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हमारे सब वार्ड में हो जाए तो सब और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। गजेंद्र राय जी। आप भद्वास के निवासी है जी। ये बोरिंग होने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है? पानी को सुविधा मिलेगा और क्या लाभ मिलेगा, इससे पानी का समस्या दूर हो जाएगा। हाँ, दूर हो जाएगा। यहाँ सुखाड़ से मर रहा है आदमी, अब दूर नहीं होगा, पानी बिना यहाँ लाता है आदमी। आप अपना नाम बताइए। रमा राय। हो रहा है, इस बोरिंग से आपको क्या लाभ होने वाला है? बहुत ऐसा लाभ होने वाला है, पूरे समाज की लाभ होगा। क्या पानी का समस्या तो आपके यहाँ बहुत है? नहीं, बनती है, समस्या है नहीं है का? क्या पानी का समस्या आपके यहाँ नहीं है? पानी का समस्या है तो इस बोरिंग होने से पानी का समस्या दूर होगा। होगा। आप अपना नाम बताइए। विनय कुमार। हाँ मुखिया जी, अभी वार्ड नंबर 8 में ये नल जल योजना शुरू कर रहे हैं, कितने लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है? इससे 220 घर को मतलब लाभ मिलने वाला है। अच्छा, इस योजना के तहत 220 लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना में आप जो अभी योजना शुरू करवा रहे हैं नल जल योजना, इस नल जल योजना पर कितना खर्च होने वाला है? इस पर लगभग 15 लाख रुपया खर्च होंगे जी। 15 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि इतना अभी पानी का बहुत गंभीर समस्या है, इस योजना को आप अपने पंचायत में लागू करवा रहे हैं, मतलब इस योजना से आम जनता आपके प्रति क्या सोच रहा है? वो तो आम जनता की बात है, हमारा काम है हर घर में मतलब 7 निश्चय के माध्यम से जल को आपूर्ति करा देना जी। आप अपना परिचय देंगे सर? विनोद कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज भदवा।